की तरफ से आपको मेल आया होगा शिपिंग लेबल के रिगार्डिंग। रिसेंटली फ्लिपकार्ट चेंज कर रहा है पॉलिसी अपनी के जो भी सेलर्स शिप करते हैं वो थर्मल प्रिंटर के थ्रू अपना प्रिंट आउट निकालें और उस पर पेस्ट करें। ये मेल आया है फ्लिपकार्ट का कि जो अब उनकी नई पॉलिसी है उसके हिसाब से थर्मल शिपिंग लेबल होने चाहिए आपके ऑर्डर्स पे। जो हम प्रिंट आउट करते थे सिंपल प्रिंटर से, अब वो नहीं चलेगा लेजर प्रिंटर से, अब आपको थर्मल प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि हमने प्रिंट आउट किया करा सिंपल लेजर प्रिंटर में, और प्रिंट आउट करवाने के लिए अगर हमारे पास प्रिंटर भी नहीं है तो हम जो है कैफे से जाके प्रिंट आउट करवा लेते थे या जहाँ पे प्रिंट आउट निकलते थे वहाँ से करवा लेते थे। तो हर एक के पास अवेलेबल है, इजीली प्रिंट आउट हो जाता था। तो नए सेलर्स क्या करते थे कि प्रिंटर नहीं लेते थे, कॉस्टली होता था, 12,000 15,000 के अराउंड मिलता है। तो उसमें एक छोटा सा ये है कि हम बाहर जाके पीडीएफ ले जाके और प्रिंट आउट करवा लेते थे, तो एक सेवर साइट लगता था। बट अभी ये मैंडेटरी कर दिया है, थर्मल प्रिंटर हर किसी के यहाँ है भी नहीं, प्लस जो पेपर है उसका अलग से ही आपको परचेस करना पड़ेगा। तो शिपिंग लेबल पे लिंक भी दे रखा है, जब मैं यहाँ पे मेल पे जब ये क्लिक करता हूँ इस लिंक पे तो सीधे ये पेज पे लैंड होता हूँ जहाँ पे फ्लिपकार्ट ये बता रहा है कि ये 1200 रुपये का जो है ये पेज इस तरीके से लेबल आएगा, 5x3 इंच का पैक ऑफ 8 रोल हमारे पास आएंगे। तो ये लेबल हमें मिलेगा, उसका लिंक भी दे दिया है, और 2000 शिपिंग लेबल्स हैं 8 रोल्स में, वो यहाँ पे मेंशन है। तो ये एक वो लेबल है जो आप देखते होंगे जब वो फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में यूज़ होते हैं, वो लेबल्स यहाँ पे आप सेलर्स को भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये जो पॉलिसीज आ रही हैं डे बाय डे, कभी मीशो कभी फ्लिपकार्ट कभी अमेजोन, तो क्या नए सेलर सर्वाइव कर पाएंगे अपने आप को इस ई कॉमर्स बिजनेस में? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है मार्केट प्लेस की तरफ से, जैसे मीशो की तरफ से रिटर्न को लेके, फ्लिपकार्ट का लेबल को लेके। और पहले नॉर्मली हम प्रिंट आउट कर लेते थे, बट अब ये नए सेलर्स के लिए दिक्कत है कि वो किस तरीके से इसमें प्रिंट आउट करेंगे। अभी मैं पुराना हूँ सेलर, लेकिन मेरे पास यहाँ पे शिपिंग थर्मल लेबल है, मैं उसके थ्रू प्रिंट आउट कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। बट एक जो स्टार्टिंग करेंगे कुछ प्रोडक्ट के साथ नए सेलर्स, उनके लिए एक दिक्कत की बात है। तो वो लेबल कहाँ से परचेस करेंगे, और परचेस करेंगे सीधे उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें कि वो प्रिंटर मंगा के, या फिर कहीं ऐसे देखेंगे जहाँ पे ये थर्मल प्रिंटर प्रिंट आउट हो जाए। तो पहले क्या होता था मैं आपको बता दूं, और ये पॉलिसी क्यों अप्लाई कर रहा है फ्लिपकार्ट। देखिए, सबसे पहले जब हम प्रिंट आउट निकालते थे, नॉर्मली प्रिंट आउट निकाला हमने A4 साइज़ में, और जो लेबल है वो हमने पैकेट के अंदर POD में हमने अपना रख दिया। बट कई बार वो प्रिंट आउट निकल जाता था या फिर रब हो जाता था, कहीं पे बारिश का मौसम है, कहीं पे कुछ इशू है, तो वो ट्रांजिट में कई बार पेपर भी खो जाता था, जिसकी वजह से पैकेट कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाता था या फिर सेलर्स तक रिटर्न नहीं पहुंच पाते थे। तो उसको देखते हुए ये लेबल जो है क्रिएट, मतलब लेबल की पॉलिसी लाया है फ्लिपकार्ट के, इससे आपका लॉस बचेगा, ठीक है। लेकिन एक दूसरा इसका जो मेरा तरीका था, जो मैं करता था, सिंपल पेपर में निकालता था और लेबल पेस्ट किया और उसके ऊपर सेलो टेप मैं करता था। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, शायद ये 3 साल पहले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से मैं ऑर्डर पे टेप लगाता था। उस टाइम पे मुझे पता था, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका था, कि पैकेट पे नेम एड्रेस वगैरह कुछ नहीं मेंशन था, सिर्फ वो कोरियर को पता था कि ये मेरा रिटर्न है तो वो मुझे दे गया। तो वो मैंने उस दिन से अपने आप खुद ही जो है अप्लाई करना शुरू कर दिया, और इसका मैंने वीडियो भी बनाया था। तो वो एक तरीका था कि हम सेलो टेप उसमें कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, जिससे जब नाम है नहीं मिटेगा, जो लेबल एड्रेस है कस्टमर का वो सब नहीं उससे रब होगा। देखिए, पॉलिसी लाने को आप कुछ भी ला सकते हैं, फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ॉन हो, मीशो हो, बट उससे इफ़ेक्ट कितना पड़ रहा है सेलर्स पे ये हमें देखना है। जैसे मीशो की बात करूँ मैं, जी मीशो ने रिटर्न पॉलिसी ला के यहाँ पे सेलर्स के माइंड में काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया है, क्योंकि कोरियर्स जो है उनको अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, ओपन करने का टाइम नहीं है, किसी के पास 200 ऑर्डर्स आ रहे हैं और रिटर्न उन्हें 50 आ रहे हैं, तो वो किस तरीके से उसको जो है हैंडल करें। अगर 200 पर डे वो ऑर्डर शिप करे चले जा रहे हैं, उन्हें रिटर्न भी उतने ही आ रहे होंगे, तो वो अगर एक एक करके रिटर्न ओपन करेंगे तो फिर वो पैकिंग कब करेंगे? अगर मीशो है तो फ्लिपकार्ट पे भी वो सेल कर रहे होंगे, फ्लिपकार्ट है तो अमेज़ॉन पे भी वो सेल कर रहे होंगे, यानी कि एक टीम उन्हें क्रिएट करनी पड़ जाएगी रिटर्न के लिए। तो ये पॉलिसी ऐसी ना क्रिएट करें जिससे सेलर्स को प्रॉब्लम हो। तो शिपिंग लेबल इस तरीके का सेलर्स ने नहीं सुना है, जो भी नए हैं उनके लिए एक इशू बन जाता है कि वो किस तरीके से करें, मतलब बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है। एक तो ऑनलाइन आना नहीं चाहते हैं, और अगर आते हैं तो फिर इस तरीके की पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो ऐसी पॉलिसी ना क्रिएट करें जिससे नए सेलर्स को प्रॉब्लम क्रिएट हो। ऐसी पॉलिसी रखें जो नए सेलर्स इजीली आ सकें और ऑनलाइन सेलिंग कर सकें।